साइबर क्राइम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको सिर्फ फोन पे से, उनको घर पे किसी ने बता दिया कि यहाँ पे फोन पे ओपन करके और यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, कोड स्कैन करना है और ये पासकोड डालना है और ये पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, बस उतना करते हैं। फिर जैसे कोई फोन करता है, फ्रॉड कॉल करेगा, फेक कॉल करेगा, वो उसके झांसे में आ जाते हैं और वो पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं उसके अकाउंट से। क्यों हुआ है? क्योंकि उसको फोन पे यूज नहीं करना आ रहा है, उसको प्रिवेंशन नहीं पता है कि फोन पे से फ्रॉड से कैसे बचना है, ये नहीं पता है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो आप लोग सीख रहे हो उसके साथ में ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो साइबर क्राइम आजकल इतनी चीजें हो रही है उससे कैसे बचना, राइट? पता चला आपने यहाँ कंप्यूटर सीख के चले गए और यही कंप्यूटर जो है आपकी आफत बन गया कुछ दिनों बाद में। और आजकल बहुत ऐसे ऐसे केसेस हो रहे हैं जिनमें जो विक्टिम होता है, विक्टिम मतलब जो साइबर क्राइम जिसके साथ में होता है, वो घर वालों के साथ में शेयर भी नहीं करते क्योंकि वो इतने ज्यादा डर जाते हैं, इतने ज्यादा उस साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं कि वो किसी से भी शेयर नहीं करते और सुसाइड तक कर लेते हैं। तो इस तरीके के जो साइबर क्राइम हो रहे हैं हम इस पे बात करेंगे और किस तरीके से इनसे बचा जा सकता है। ठीक है, किसी के साथ में हुआ है साइबर क्राइम अभी से पहले, कोई शिकार हुआ है? किसी के साथ नहीं हुआ, वेरी गुड, अब आगे होगा भी नहीं। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं मोबाइल। ठीक है, जो आप लोग मोबाइल तो सब लोग यूज कर ही रहे हो, घर का मोबाइल या आपके पास खुद का होगा या नॉर्मली जो आप अभी ऑनलाइन क्लासेस का इतना ज़्यादा चलन हो रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, तो इस ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन के बढ़ते हुए जमाने में क्या आप सिक्योर हैं? यस और नो? तो मोबाइल हैक से कैसे बचना है? कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन आपको गूगल से डाउनलोड नहीं करनी है। कैसे करोगे? एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करोगे फोन में? प्ले स्टोर से ही करना है आपको, कभी भी गूगल से नहीं करना है। अगर गूगल से आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई इंस्टॉल कर रहा है तो उसको आप मना करोगे, गूगल से कभी भी इंस्टॉल नहीं करना है। ठीक है, बहुत ही रेयर ऐसे कोई एप्लीकेशन होते हैं प्राइवेट एप्लीकेशन जो जैसे बैंक वाले यूज करते हैं, कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती है जो प्ले स्टोर पे वो नहीं रख सकते क्योंकि उनको भी हैक होने का डर लगता है। ठीक है, बहुत ऐसी एप्लीकेशन होती है जो प्ले स्टोर पे नहीं होती है, वो उनकी प्राइवेट होती है। ठीक है, जैसे पुलिस वाले जो यूज करते हैं एप्लीकेशन, वो उनकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे नहीं होती, वो उनके प्राइवेट होती है, वो शेयर करते रहते हैं क्योंकि प्ले स्टोर पे डाल देंगे तो हैकर डाउनलोड करके और फिर उसमें सेंध लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, गूगल से नहीं करना है। फिर दूसरी बात आती है जो बैंक में जो आपके फ्रॉड होते हैं, जो आपके बैंक अकाउंट से पैसे चोरी हो जाते हैं, जब आपके बैंक में जैसे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मान लो आपके कुछ 50 रुपए कट गए, आपने बैंक में गए स्टेटमेंट निकाला 50 रुपए कट गया और आपको नहीं पता स्टेटमेंट में ज्यादा लिखा हुआ भी नहीं आता, आपने देखा 50 रुपए कैसे कट गए, आपने क्या काम किया उसको कस्टमर केयर को आपने कॉल मिलाने के लिए गूगल पे सर्च किया SBI कस्टमर केयर नंबर। ठीक है, तो गूगल एड्स जानते हैं, गूगल एड्स क्या होता है, कौन कौन जानता है गूगल एड्स? देखो, जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो स्टार्टिंग के जो 2 या 3 रिजल्ट होते हैं, सर्च रिजल्ट होते हैं, गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो जो फर्स्ट 2-3 लिंक होते हैं ना, वो होते हैं एडवर्टाइजमेंट्स जो गूगल को पैसे देके और गूगल को बोला जाता है कि कोई भी ये वर्ड सर्च करे तो हमारी वेबसाइट सबसे ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है और गूगल इस चीज को वेरीफाई नहीं करता है कि ये आदमी फ्रॉड है कि नहीं है, कभी नहीं करता। अगर आप उसमें ABC कुछ भी नंबर डाल दोगे तो वो उसको भी लगा देगा उसमें,
अब आप जो कस्टमर उस नंबर पे कॉल कर रहे हैं, आप उनके साथ में क्या बिहेव कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, गूगल इस चीज की का सत्यापन नहीं करता है। तो कभी भी गूगल पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए कि मैं गूगल पे कर रहा हूँ, गूगल तो बहुत बड़ी चीज है, गूगल से तो कुछ भी नहीं हो सकता है, फ्रॉड नहीं हो सकता, ऐसा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। गूगल से ही फ्रॉड होते हैं सारे, ठीक है। गूगल गूगल के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक चीज को वेरीफाई करने बैठे, ठीक है। आप उसको कॉल करोगे, वो आपको बोलेगा मैं एसबीआई कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ, ठीक है, बताओ क्या मैं मैनेजर बात कर रहा हूँ। फिर वो धीरे धीरे आपकी इंफॉर्मेशन लेगा, हो सकता है आपके फोन में कोई ऐप भी इंस्टॉल करवा सकता है, और हो सकता है वो बोलेगा कि ठीक है मैं अपडेट कर रहा हूँ आपकी इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये 50 रुपए आपके डिडक्ट हुए हैं, मैं इसको रिफंड कर रहा हूँ, आपके पास एक ओटीपी आएगा, मुझे ओटीपी बताइए। उसके बाद क्या होगा, सब पैसा खत्म, खेल खत्म। तो बहुत ही मतलब एक छोटी सी गलती से की वजह से आपके पूरे अकाउंट का पैसा गायब हो सकता है, भले ही उसमें 2 लाख पड़े हो, 4 लाख पड़े हो, वो आपके अकाउंट से, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं कि 10,000 से ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, 50,000 से ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर पाएगा एक बार में, ठीक है। तो नेट बैंकिंग पे सारी सेटिंग्स होती है, उसको चेंज किया जा सकता है। जो हम लैपटॉप से नेट बैंकिंग चला करते हैं ना, यूज करते हैं नेट बैंकिंग, तो नेट बैंकिंग में क्या होता है कि हम किसी के अकाउंट में अगर मैंने लॉग इन कर लिया तो मैं उसको सेटिंग चेंज कर सकता हूँ कि एक दिन में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकता हूँ, या कोई नया बेनिफिशियरी ऐड कर रहा हूँ उसमें मैं उसमें भी सेट कर सकता हूँ कि 10 लाख रुपए मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, तो वो वन टाइम में ट्रांसफर हो जाता है। कोई बहुत ही ज्यादा बेवकूफ अगर कोई आदमी है तो वो उससे वो चीजें भी करवा लेता है। तो जो फ्रॉडस्टर होते हैं ये क्या करते हैं, ऐसे एटीएम कार्ड ढूंढते हैं, ऐसे एटीएम ढूंढते हैं मशीन जहां पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा नहीं होता, फिर वो क्या करते हैं उसमें एक डिवाइस उसमें लगा देते हैं, जैसे आप एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हो, ठीक है, तो इंसर्ट करने का जो पैनल होता है वो एक डुप्लीकेट पैनल चिपका देता है उस पर, बहुत ही सेम दिखता है वो, आप देखोगे ना तो वो आपको लगेगा नहीं कि डुप्लीकेट, लेकिन आप उसको ऐसे थोड़ा सा पकड़ के ऐसे खींचोगे तो वो आपके हाथ में आ जाएगा। तो जैसे आप उसमें अपना एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हो और एटीएम काम करेगा आपका, तो जैसे आप उसमें एटीएम इंसर्ट करोगे वो जो डिवाइस लग रही है ना वो आपके एटीएम को स्कैन कर लेगी और आपके एटीएम का डुप्लीकेट उसमें सेव हो गया। फिर आप जैसे ही पिन डालते हो, जैसे आप पिन डालोगे तो जो कीपैड होता है, नंबर कीपैड होता है, उसके ऊपर एक दूसरी कीपैड वो लोग रख देते हैं, वो भी सेम वैसी ही होती है, ठीक है, उसको भी आप ऐसे थोड़ा सा उठा के देखोगे वो निकल जाती है। तो जैसे आप वो नंबर उसको प्रेस करोगे वो नंबर सेव हो जाते हैं, तो एटीएम आपका चला गया, पिन नंबर चले गए, फिर वो लोग डुप्लीकेट एटीएम कार्ड बनवा के, और एटीएम पिन है ही उनके पास में, तो आपका सारा एक्सेस चला जाता है, फिर वो एटीएम से पैसे निकालना स्टार्ट करते हैं। दूसरा अभी जो चल रहा है बहुत बड़े लेवल पे जो क्राइम चल रहा है, ये इससे बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। व्हाट्सएप कौन कौन चलाता है यहाँ पे? ओके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो व्हाट्सएप पे किस किस के पास अननोन नंबर से कभी ऑडियो कॉल आई है, वीडियो कॉल आया है, किस किस ने एक्सपीरियंस किया है अननोन नंबर से ऑडियो कॉल, वॉइस कॉल या वीडियो कॉल, ऐसा आया कभी? ठीक है, ओके, बातें नहीं। तो जब जब आपके पास में कोई ऐसी वीडियो कॉल आती है, अरे बातें नहीं, जब आपके पास में कोई ऐसी वॉइस कॉल आती है या वीडियो कॉल आती है अननोन नंबर से, ठीक है, तो आप लोग क्या सोचते हो कि
पास कोई काम धाम तो है उठा लेते हैं, ठीक है, अपन तो फ्री बैठे, कोई अपने से बात करना चाह रहा तो कर लेते हैं, पता नहीं कि कहाँ पे मोदी जी फंस रहे होंगे जो मेरे को फोन कर रहा है ये बंदा, तो क्या क्या पता मैं इसकी हेल्प कर दूं, है ना। तो लोग क्या करते हैं, उसको कॉल को अटेंड कर लेते हैं, और जैसे कॉल को अटेंड करोगे आपको एक ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी, तो आपको क्या लगेगा कि यार पता नहीं कौन है, क्या हो गया, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप हेलो 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 करोगे, 10-15 सेकंड तक आपका चलेगा वो प्रोग्राम, और फिर वो कॉल कट हो जाएगी। पहला इंस्टेंट जो मैं पहला केस बता रहा हूँ वो ऐसे होता है, आप कॉल अटेंड करोगे या ब्लैक स्क्रीन आएगी, या ब्लैक स्क्रीन आएगी वो आपका कॉल कट जाएगा। फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद में आपके पास व्हाट्सएप पे एक वीडियो आएगा, ठीक है, जिसमें जो आपकी जो आप बात कर रहे थे हेलो हेलो बोल रहे थे वो उसने रिकॉर्ड कर लिया, और जो वीडियो कॉल में जैसे एक छोटा सा फोटो होता है जो आप किसी से बात कर रहे होते हो, होता है सामने वाले का फोटो आता है छोटा सा, वैसे ही उसने वहां पे किसी लड़की की फोटो लगा दी। अगर आप लड़के हो तो लड़की की फोटो लगा दी, अगर आप लड़की हो तो लड़के का वीडियो लगा देते हैं एडिटिंग करके, तो उसमें ऐसा लगेगा कि आप उससे बात कर रहे हो, ठीक है, आप तो बहुत अच्छी सिचुएशन में बैठे होंगे, लेकिन वो अपने आप को ऐसी सिचुएशन में दिखाते हैं एकदम कि अगर वो लीक हो जाए तो आपको प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, आपके घर वालों को पता चल जाए या समाज में पता चल जाए तो आपको इंसल्ट फील होगी। तो ऐसे वीडियो एडिटिंग करके वो आपको भेजेंगे, फिर आपको बोलेंगे कि मैं इसको यूट्यूब पे डाल रहा हूँ और तुम्हारे जितने भी कॉन्टैक्ट हैं मैं उन सबको भेजूंगा। अब जो विक्टिम होता है वो ये नहीं सोचता कि यार मेरे कॉन्टैक्ट नंबर इसके पास कैसे जाएंगे, बस वो तो टेंशन ले लेता है, क्योंकि जैसे वो वीडियो देखता है फिर वो कुछ भी नहीं सोचता, वो ये सोचेगा अरे यार मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भेज देगा ये, इसने मेरा फोन हैक कर लिया होगा, कैसे किया नॉलेज होता नहीं, तो वो फिर उसमें उसका वो शिकार होता चला जाता है। फिर वो उसको फोन करेंगे कि ठीक है इस वीडियो को हम डिलीट कर देंगे, आप 1,00,000 रुपए इस नंबर पे भेज दो, जो बहुत ही जो बच्चे होते हैं या फिर जिनको नॉलेज नहीं होता जो बहुत ज्यादा डर जाते हैं ऐसे लोग, कोई भी फंस सकता है, जरूरी नहीं है कि इसमें बच्चे ही फंसते हैं, इसमें बड़े भी फंसते हैं। ये चीजें आपको अपने घर पे जाके भी अवेयर करना है लोगों को, क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि आपने यहाँ पे लेक्चर अटेंड किया है और कुछ दिन बाद में आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में ये घटना घट गई तो आप अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि जो चीज आपको पता है, जो चीज आप अपनी फैमिली को अवेयर कर सकते थे, ठीक है, और वो घटना उसके साथ होने से बच सकती है, तो ये आपको जो भी चीजें आप सीख के जाओगे आपको सबको अवेयर करना है ताकि उनके साथ ऐसी घटनाएं ना घटे। और जब ऐसी घटनाएं घटती हैं, जब अगर कोई आपको ब्लैकमेलिंग करे इस तरीके से वीडियो बना के, या फिर कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है जैसे ब्लैक स्क्रीन नहीं आएगी, कोई उधर से लड़की बात कर रही होगी या कोई लड़का बात कर रहा होगा, या हो सकता है लड़की कोई लड़की कॉल कर रही होगी, बाद में उसको एडिटिंग कर देते हैं उन लोग, ठीक है, या वो आपसे कैसी भी बातें करे उसको एंटरटेन नहीं करना, उससे बातें नहीं करनी है। अगर आपने बातें कर ली तो वो एडिटिंग करके क्या क्या कर सकते हैं आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। अभी आपको पता नहीं है कि क्या किस चीज का कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है आपके ऊपर, ठीक है। और जब आपके साथ में ऐसा कुछ हो जाता है, मान लो ऐसा हो गया, तब क्या करना है, सबसे पहले तो ये कि आपको बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कई बार अनजाने में हो जाता है अपने से, मैं नॉलेज नहीं है, मुझे गाड़ी नहीं चलानी आ रही थी, मुझे छोटी छोटी चलानी आ रही थी, एक्सीडेंट हो गया, तो अब एक्सीडेंट हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे, ऐसा होता है क्या, लेके जाते हैं ना हॉस्पिटल, उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं प्रॉपर, उसको समझाते हैं आगे के लिए। तो कभी भी अगर कुछ भी आपके साथ हो जाता है तो डरना नहीं है कि पेरेंट्स क्या बोलेंगे, डांटेंगे या क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स को बताना है
जो भी एजुकेटेड लोग हैं उससे आपको डिस्कस करना है कि ये चीजें हो रही हैं और उसको टैकल कैसे करना है, उस नंबर को सीधा सीधा आपको ब्लॉक करना है, ठीक है। जितने भी नंबर से आपके पास में कॉल्स मैसेज आ रहे हैं ब्लॉक करते जाओ, ठीक है। उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता आपको परेशान करने के लिए, मुश्किल से एक दिन, एक दो दिन बस, उसके बाद वो नया बंदा ढूंढते हैं फंसाने के लिए, ओके। तो मैंने आपको बताया अभी कि सोशल मीडिया से जो लोग स्टॉकिंग करते हैं, पीछा करते हैं, ये क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटी चल रही है, तो धीरे 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 उसके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और फिर उससे बातें करना स्टार्ट करते हैं, फिर उससे धीरे धीरे मिलते हैं, फिर मिलने के बाद में प्राइवेट चीजें कैप्चर करते हैं और फिर उसको परेशान करते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं, ब्लैकमेलिंग के तौर पे वो अपनी डिमांड रखते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? मोबाइल, लैपटॉप, ईमेल्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया अकाउंट्स। तो अगर आप ये यूज कर रहे हो तो आपको ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसको यूज करना कैसे होता है, सिक्योरली कैसे यूज करना है, क्राइम होने से कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ये सेशन जो आपको आपके लिए आज स्पेशली दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि आप लोग कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं, अगर आपको कंप्यूटर, ये बहुत ही पावरफुल हथियार है मोबाइल कंप्यूटर, ठीक है, इससे आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो और इससे आप अपने ऊपर भी वार कर सकते हो, ये अपने ऊपर भी आपके ऊपर भी वार कर रहे हैं अगर आपने ऐसा गलत इस्तेमाल किया, ठीक है। गलत इस्तेमाल आप करोगे नहीं, वो अपने आप हो जाएगा क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है इसको इसको कैसे हैंडल करना है, राइट। और इंडिया में इंडिया का जो है अभी 10th रैंक है, पूरे वर्ल्ड में 10वीं रैंक है साइबर क्राइम, ठीक है। यहाँ पे पर डे करोड़ों रुपए का फ्रॉड हो रहा है, करोड़ों रुपए, ठीक है। गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है उस पैसे को रिफंड करवाने में, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के पैसे, जैसे मान लो 5 लाख रुपए ट्रांसफर हुए, ठीक है, किसी ने अकाउंट से निकाल लिए, वो 5 लाख रुपए उसने कैश निकाल लिए बैंक से, तो अब बैंक कहां से रिफंड करेगा, करेगा क्या भाई, जिसके अकाउंट से पैसे निकल गए सामने वाले के अकाउंट में चले गए, अब उसने वो अमाउंट विथड्रॉ करवा लिया, विथड्रॉ करवाने के बाद में बैंक अकाउंट आपका पैसा रिफंड नहीं कर सकता। अगर उसके अकाउंट में वो पैसे होंगे तो बैंक अकाउंट जरूर उस अमाउंट को होल्ड कर सकता है और होल्ड करने के बाद में जो प्रोसेस होता है रिफंड करवाने का, उस प्रोसेस के जरिए वो पैसा रिफंड किया जा सकता है, लेकिन उसके चांसेस तभी तब तक हैं, उसके चांसेस तब तक हैं जब वो पैसा सामने वाले के अकाउंट में रहेगा, ठीक है। जो आप इंटरनेट यूज करते हो ना, तो इंटरनेट एक आईपी एड्रेस देता है आपके लैपटॉप को जिसके जरिए आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हो, तो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इससे अभी यही इन्वेस्टिगेशन है कि अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है तो पुलिस ये इन्वेस्टिगेट करती है कि किसने शेयर किया है, कहां कहां से शेयर किया गया है, फिर उन अकाउंट्स का इन्वेस्टिगेट किया जाता है, फिर लोगों को पकड़ा जाता है, फिर उनके दो चार थप्पड़ मार के पूछा जाता है, तो वही होता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि किसी का कोई भी कर सकता है, लेकिन ये क्राइम है, ठीक है। ऐसे किसी की भी फेस की एडिटिंग करना इज अ क्राइम, ठीक है। किसी की भी फेस की एडिटिंग, किसी की वीडियो की, फोटो की एडिटिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो आपके ऊपर एफआईआर कंप्लेंट करवा सकता है। ये बहुत ही प्राइवेट चीज होती है, पर्सनल चीज होती है, ठीक है, ठीक है। तो एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत ज्यादा जरूरी है, व्हाट्सएप पे आप सब लोग पिन नंबर सेट आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप में पिन नंबर सेट करोगे तो कोई भी आपको व्हाट्सएप
सिर्फ ओटीपी देके अनइंस्टॉल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे एक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन व्हाट्सएप ने लागू किया, वो पिन नंबर आप व्हाट्सएप पे सेट कर सकते हैं। फेसबुक पे आप ओटीपी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी होती है कि कोई भी अगर आपका पासवर्ड यूज कर रहा है तो बिना आपके मोबाइल पे ओटीपी आए वो अकाउंट उसके पास में लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। तो उस पे आप ओटीपी सेटिंग लगा लो, ये सेम चीज आप ईमेल पे भी लगाओ, ठीक है। चाहे भले ही आपने ईमेल पे अगर आपने वीक पासवर्ड रखा हुआ है, या मान लो आपने अपना नाम रखा हुआ है पासवर्ड, ठीक है, तो कोई भी लॉगिन करेगा आपके नाम से पासवर्ड में, आपका नाम डालेगा या मोबाइल नंबर डालेगा, तो ओटीपी आपके फोन पे आएगा, ठीक है। जब तक आप ओटीपी नहीं डालोगे वो अकाउंट नहीं खुलेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना मोबाइल नंबर ही रख लो, कि आपको ओटीपी है ही मोबाइल नंबर रख लेते हैं। हो सकता है आपका फोन किसी ने हैक कर लिया हो और ओटीपी भी देख सकता है, राइट। तो जितनी कम चीजें हम लीक करें उतनी ज्यादा, जितनी ज्यादा नॉलेज आपको सिक्योरिटी की हो वो उतना ज्यादा बेटर रहेगा। अपने जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, उनको जितने ज्यादा आप सिक्योर करके रख सकते हो उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। क्राइम होने के चांसेस आपके साथ आपके फैमिली के साथ बहुत कम हो जाते हैं अगर आपको बहुत बेसिक बेसिक चीजें अगर आपको पता है, तो बहुत बेसिक चीजें, ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं। अगर आपके साथ में ऐसा कोई क्राइम हो गया, जैसे अकाउंट से पैसे निकल गए या कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है, तो उसमें क्या करना चाहिए? उसमें आपको 1930 पे सबसे पहले आपको 1930 पे कॉल करना है। 1930 पे आप कॉल करोगे और आपको अपने कंप्लेंट वहां पे बतानी है कि मेरे साथ ये हो गया, इतना पैसा ट्रांसफर हो गया, किसी फ्रॉडस्टर ने झूठ बोल के ऐसे पैसे ट्रांसफर कर दिए, जो भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ, ठीक है, जो यूपीआई जिस यूपीआई आईडी में पैसे ट्रांसफर किए हैं, जिस मोबाइल नंबर पे पैसे ट्रांसफर किए हैं, वो सारी डिटेल आप बता दो। वो बोलेंगे कि ठीक है आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है, वो इतना ही बोलते हैं। लेकिन उसके बाद में आपके पास एक एसएमएस आएगा, जैसे आपकी कंप्लेंट रजिस्टर होगी आपके पास एक एसएमएस आएगा, उस एसएमएस में क्लियर लिखा रहेगा, समस्या ये है कि वो इंग्लिश में रहता है, ठीक है, लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, लोग क्या सोचते हैं कि हमने जो कंप्लेंट करी है ये बस उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर है। इसमें क्या लिखा रहता है कि अगर आप cybercrime.gov.in पे जाके आप अपने सारे एविडेंसेस, फोटोज वगैरह, स्क्रीनशॉट्स वगैरह, सारी डिटेल आप वहां पे जाके अपलोड करो, और अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तो ये कंप्लेंट निरस्त कर दी जाएगी, ठीक है। तो अगर आप 24 घंटे के अंदर cybercrime.gov.in पे जाके सारी चीजें आप नहीं डालते हो तो वो आपकी कंप्लेंट को सीरियस नहीं लिया जाएगा। हो सकता है किसी ने ऐसा ही कॉल करके फ्रॉड कॉल करके फ्रॉड कंप्लेंट कर दी हो, क्योंकि जब तक पुलिस के पास में आपके एविडेंसेस नहीं जाएंगे, ठीक है, जब तक स्क्रीनशॉट आप नहीं भेजोगे कि आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए हैं, जब तक आप उनको एग्जैक्ट टाइम नहीं बताओगे कि इस टाइम पे हुआ है, इस बैंक अकाउंट से हुआ है, यहाँ पे आपकी ब्रांच है, ये आपकी लोकेशन है, ये पुलिस थाना पड़ता है, तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन जब तक आप वेबसाइट पे नहीं डालोगे, जब तक आप ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं डालोगे वो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होगी, गॉट इट। तो ये दो चीजें हमेशा ध्यान रखना है, 1930 और cybercrime.gov.in। अगर किसी का मोबाइल खो जाए तो बहुत ही आम बात है मोबाइल खोना, राइट। तो पहले क्या करते थे हम लोग, पहले पुलिस स्टेशन में जाते थे, कंप्लेंट लिखते थे, नहीं लिखते थे, ऐसे ही चलता था, ठीक है। तो अभी क्या हो गया है कि आपको गवर्नमेंट ने एक पोर्टल जारी किया है, CEIR, देख लो आप लोग, CEIR पोर्टल। बिना इंतजार किए सबसे पहले आपको वो सिम निकलवानी है कस्टमर केयर में जाकर, दूसरी चीज
तीसरी चीज क्या करनी है आपको, एक तो फोन का बिल और ये सिम निकलवानी है नहीं, तीसरा आपको पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस स्टेशन जाके आपको कंप्लेंट लिखवानी है कि मेरा ये फोन ऐसे ऐसे गुम हो गया, ये मेरा फोन का बिल है। तो एक कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे आपकी, कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे, वो कंप्लेंट आपको दे देंगे, उस पे मोहर लगा के साइन करके आपको दे देंगे। ये तीन चीज हो गई, अब आप घर पे आ जाओ। अब आप ये वेबसाइट ओपन करो CEIR.gov.in। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल फिल करनी है, मोबाइल नंबर 1, मोबाइल नंबर 2, IMEI नंबर, या IMEI नंबर आपके ना उस पे होता है बिल पे, जो लाइन सी लाइन होती है IMEI नंबर की, एक वो स्लिप चिपकाते हैं बिल पे, दैट इज IMEI नंबर। ठीक है, डिवाइस मॉडल अपलोड इनवॉइस, ये यहाँ पे आपको बिल अपलोड करना है, ये लॉस्ट प्लेस कहाँ पे गुम हुआ है। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ पे गुम हुआ है ना ये फोन, ये उसी पुलिस थाने में जाएगी कंप्लेन। अगर आप दिल्ली में गुम करके आए हो ना फोन, तो ये कंप्लेन वहीं जाएगी। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है आप। तो कभी भी अगर आपका फोन कहीं पे गुम हो जाता ना, तो आप अपने लोकल एरिया का ही इसमें डालो। ठीक है, ओके, आप लोकल एरिया का डालोगे तो वो कंप्लेंट आपके लोकल पुलिस स्टेशन पे जाएगी, और वहां जाके आप पता कर सकते हो, क्योंकि ये तो ग्लोबल है, ये जो कंप्लेंट जा रही है ना, ये तो ग्लोबल है। ये इनका जो डिटेक्ट करने का तरीका है वो IMEI नंबर के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। ये ऐसे दिल्ली में सर्च ऑपरेशन नहीं चलाएंगे आपके फोन के लिए कि यहाँ राजीव चौक के पास उसका फोन गुम हुआ है, किसके पास है भाई फोन, ऐसे नहीं ढूंढते हैं। मैं बताता हूँ आपको कैसे ढूंढना है, कि पूरी डिटेल आप इसमें फिल करके और सबमिट कर दो। अब कैसे पता चलेगा आपका फोन कौन यूज कर रहा है? अभी मैं कल ही पढ़ रहा था, जोधपुर में 100 मोबाइल फोन रिकवर किए गए सिर्फ इस पोर्टल के जरिए। कैसे पता चले? वो ऐसे पता चले कि जैसे मान लो कि आपने IMEI नंबर डाल दिया इसमें, और ये पोर्टल गवर्नमेंट का पोर्टल क्या करेगा, जितनी भी मोबाइल कंपनी है जैसे जियो है, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ठीक है, इन सबको ये डिटेल भेज देते हैं कि ये IMEI नंबर ये चोरी हो चुका है। ठीक है, जब आप किसी भी फोन में सिम डालते हो तो जैसे ही नेटवर्क टावर आते हैं आपके फोन में, तो नेटवर्क कंपनी को पता चल जाता है कि इस फोन में इस फोन का IMEI नंबर है। बिना IMEI नंबर एक्सेस किए बिना नेटवर्क कंपनी आपको टावर नहीं दे सकती, नेटवर्क नहीं दे सकती। अगर आपने दूसरी सिम डाली तो समझ लो कि आपका IMEI नंबर उनके पास चला गया है। ओके, जैसे आप दूसरी सिम डालोगे और वो फिर जियो कंपनी क्या करेगी, जो जिस पुलिस स्टेशन जो आपने यहाँ भरा था इसमें फॉर्म में, उस पुलिस स्टेशन को वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि ये IMEI नंबर, ये सिम इसमें डली हुई है और ये मोबाइल नंबर इसमें डला हुआ है। फिर पुलिस वाले उसमें उसकी ट्रैकिंग करते हैं, लोकेशन पता करते हैं उस मोबाइल नंबर की, और फिर वो आपका फोन वहां से उठा के लेके आते हैं। ऐसे होता है। ठीक है, किस किस को समझ नहीं आया ये चीज, तो डाउट, सबको समझ में आ गया?